हेलो गाइस, मैं हूँ डीजे जेनिश दे और स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो ये मेरी वर्चुअल डीजे की फ्री ट्रेनिंग सीरीज का पार्ट 4 है। ओके, तो पहले तीन वीडियोस में हमने कंप्लीट ओवरव्यू ले लिया था। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था उसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। सेकेंड वीडियो में हमने उसके मिक्सर सेक्शन की और ब्राउजर सेक्शन की बात की थी। थर्ड वीडियो जो था उसमें हमने सारे इफेक्ट्स देखे थे और उसका डेक जो है, एक डेक पर्टिकुलरली उसके बारे में जाना था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको अपना वर्चुअल डीजे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल कैसे करना है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि उसमें मैंने सेटिंग में आपको ऑप्शंस का एक और कंट्रोलर्स का एक दिखाया था, तो वो मैंने कहा था कि वो हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो उन दोनों ऑप्शंस की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, रियली सॉरी क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि हम कीबोर्ड कंट्रोल्स की बात कर रहे थे, इसका कीबोर्ड दिखना आपको काफ़ी ज़रूरी है। और इसके बाद अभी इसी वीडियो में जब मैं ये भी कंट्रोल आपको दिखाऊंगा कीबोर्ड के, उसके बाद जब मैं ऑप्शन की बात करूंगा तब ऑब्वियसली हम स्क्रीन के अंदर ही बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ अपने कीबोर्ड पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बेसिक थिंग और जो है वो सॉन्ग प्ले और पॉज करना, तो वो हम करेंगे हमारे स्पेस बटन से। तो जैसे ही हम स्पेस बार पे क्लिक करेंगे और आपका सॉन्ग चालू हो जाएगा। और अगेन आप उस पर प्रेस करोगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है जो हमने आपको देखा था क्यू का जो ऑप्शन दिखता है आपको, तो वो जिस पॉइंट पे आप सेट करते हो, जैसे हमारा फर्स्ट, ऑब्वियसली हमारे सॉन्ग की फर्स्ट बीट पे सेट है, तो ये क्यू फंक्शन जो है वो आपका सी बटन से काम करता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे सी वाला जो है, सी दबाएंगे और सॉन्ग चालू होगा, और जैसे आप सी छोड़ोगे सॉन्ग रुक जाएगा। ओके, अगेन देखते हैं। ओके, तो इसके बाद में और फिर मेन थिंग जो आती है वो है क्रॉस फेडर। अब जब आप एक सॉन्ग पर दूसरे सॉन्ग पर ट्रांजेक्शन करना है, जो जितने भी नए नए डीजे से जो बेसिकली सीख रहे हैं उनके लिए क्रॉस फेडर काफ़ी ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं क्रॉस फेडर क्या है, तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैं आप स्क्रीन में मेरा हाथ देख सकते हैं, ये इसे कहते हैं क्रॉस फेडर। अगर ये पूरा इस तरफ है तो आपको सिर्फ इस तरफ का डेक सुनाई देगा, और अगर ये पूरा इस तरफ है तो आपको बी डेक सुनाई देगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम अभी सिर्फ माउस से कर रहे हैं। ओके, तो ये बेसिकली सारे लैपटॉप में पेज अप और पेज डाउन के ऑप्शन से होता है। सारे मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में पेज अप और पेज डाउन आपको इस सेक्शन में मिलेगा यहाँ पे, लेकिन मेरे लैपटॉप में ये यहाँ पे है पेज अप और पेज डाउन, और इसमें फंक्शन की आपको प्रेस करनी पड़ती है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सारे लैपटॉप में प्रेस करनी पड़े, लेकिन मेरे पुराने लैपटॉप में सिर्फ पेज अप पेज डाउन से हो जाता था, लेकिन इसलिए इस लैपटॉप में आपको फंक्शन की प्रेस करनी पड़ती है। तो हम फंक्शन की प्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। ये पहले हमने ये फंक्शन की प्रेस की, ये आप देख सकते हो सेकंड जो है फंक्शन की, उसे हमने प्रेस किया, और उसके बाद हम जब पेज डाउन पेज अप करेंगे तो सो क्रॉस फेडर राइट में जाएगा, और पेज डाउन करेंगे तो क्रॉस फेडर लेफ्ट में जाएगा। ओके, तो हम अभी इसे सेंटर में ले आते और सॉन्ग प्ले कर देते। देखिए पहले मैं आपको इसको राइट में रखता हूँ और लेफ्ट साइड का जो है अपना एक ही सॉन्ग लोड किया हुआ है तो उसमें प्ले कर देता हूँ, तो वो भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि क्रॉस फेडर आपका पूरा राइट साइड में। तो फंक्शन की प्रेस करके हम इसे ले आते हैं लेफ्ट में, तो आपने देखा कि सॉन्ग प्ले हो रहा है। अब सॉन्ग का बेसिकली ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस सॉन्ग से हम इस सॉन्ग पे जाएंगे तो पहले ये सॉन्ग प्ले कर देते हैं और सेकेंड सॉन्ग, ये सॉन्ग प्ले कर देते हैं और सेकेंड सॉन्ग भी प्ले कर देंगे, तो क्रॉस फेडर के हिसाब से आप नॉर्मली कैसे एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग पे आ सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि हम एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग पे आ गए हैं, और अब इसमें एक ऑप्शन और एक इम्पोर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये टैब बटन जो आपको दिखता है टैब, इससे आपको सॉन्ग नहीं डेक सिलेक्ट होते हैं आपके, डेक बी डेक ए। तो जैसे आपने टैब दबाया, देखिए अभी हमारा डेक बी सिलेक्टेड है, आपको हाईलाइटेड दिख रहा है यहाँ पर, और डेक ए ब्लैक में दिख रहा है क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं है।
तो जैसे अब जो भी आप जो डेक सिलेक्टेड होगा आपका, जैसे बी सिलेक्टेड है तो आप जितने भी फंक्शन जैसे सी क्यू 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 यूज करोगे, स्पेस बार है, कितने भी जितने भी फंक्शन है अंदर, अगर आप कोई भी यूज करोगे तो वो डेक बी में ही काम करेंगे। ओके, अगर आपको उसको डेक ए में यूज करना है तो आपको ऐसे माउस से डेक ए सिलेक्ट करना होता है, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की है, वो है टैब। टैब प्रेस करते हैं, आप देखिए अभी बी पे है, ए पे अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आपने टैब प्रेस किया आपका सॉन्ग मीन्स आपका जो डेक ए सिलेक्ट हो चुका है, और आप देख सकते हो कि बी जो है वो हाईलाइटेड नहीं है। तो जैसे हम कोई भी की प्रेस करेंगे, जैसे हमने, तो ये डेक पे लगेगा। और अभी आपका क्रॉस फेडर इस तरफ है इसलिए यूज नहीं हो रहा है, तो पहले हम क्रॉस फेडर को इधर कर देते हैं। ओके, हम सेंटर में ही रखते हैं बेसिकली बीट मैचिंग। आप प्रोफेशनल डीजे जो होते हैं क्रॉस फेडर का यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ मोस्टली स्क्रैचिंग के टाइम पर ऐसा, बाकी वो नॉर्मली फेडर से ही काम करते हैं और बीट मैचिंग करते हैं, इसलिए उन्हें इतनी नीड नहीं होती उसकी। ओके, उसके बाद अभी मैं इस वीडियो में इतने सारे शॉर्टकट्स हैं तो वो आपको बता नहीं पाऊंगा, तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन में चलते हैं, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ओके गाइस, तो आपने अभी जैसे जितने नॉर्मली थोड़े बहुत मैंने आपको कंट्रोल्स दिखाए, सारे नहीं दिखाए क्योंकि बहुत सारे हैं और अभी मेरे पास एक्सटर्नल कीबोर्ड नहीं है, तो इस कीबोर्ड पे वो पॉसिबल नहीं है, मतलब हो तो सकता है लेकिन इट्स टफ। सो मैं आपको सिर्फ, सबसे पहले हम वर्चुअल डीजे खोलते हैं। तो आपने जैसा देखा हुआ था, जो जो मैंने आपको बताया क्रॉस फेडर के बारे में बताया, क्यू डेक कैसे सिलेक्ट करना है, और नॉर्मली आप अपना पेज और अप डाउन जो है वो नेक्स्ट और यूज़ करके आप सॉन्ग को भी ब्राउज कर सकते हो। ये एक सॉन्ग से नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना हो तो आपको, ओके, ये ऐसे आप सॉन्ग ब्राउजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सेटिंग ऑप्शन में जाना है, कंट्रोलर्स में जाना है, और इसमें आपको सारे की, जैसे आपको लूप फोर मारना है, जैसे फोर बीट का जो लूप है अगर आपको मारना है तो सिर्फ फोर दबा दो तो आपका वो लूप उस पॉइंट से बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद अगर जैसे थ्री बटन जो है, थ्री नंबर की जो की है उस पर नथिंग लिखा हुआ है, मतलब अगर आपको थ्री नंबर पे कोई फंक्शन असाइन करना है या फिर कोई हॉट क्यू असाइन करना है तो आप कर सकते हो। इसमें सारे सेट क्यू यानी ये हॉट क्यूज़ की बात की जा रही है, ये सारे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप इसमें से देख के कर सकते हो। नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जैसे डेक सिलेक्शन के लिए टैब है, फिर उसके बाद में प्ले पॉज के लिए स्पेस दबाना है, और डेक सिलेक्शन के लिए टैब दबाना है, फिर उसके बाद क्रॉस फेडर को यूज़ करने के लिए पेज अप और डाउन मेनली यही यूज़ होते हैं, और बाकी आप चाहो तो ये ईक्यू सेक्शन जो आपको दिख रहा है मिक्सर में, हाई मिड लो, इन सब के लिए भी आप असाइन कर सकते हो। जैसे ई डी सी, कोई भी तीन एक लाइन में यूज़ करके, तीन स्विच सिलेक्ट करके आप उसको हाई और लो में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फ्री वर्जन में मिल जाती है, तो ये सारी एडिटिंग और सब कुछ आप वर्चुअल लीजिए के फ्री वर्जन में कर सकते हो। उसके बाद इस वीडियो में बेसिकली कंट्रोलर्स की बात तो हमने कर ली, नॉर्मली आपको कैसे यूज़ करना है और वो सब, कोई भी कितना भी सीख ले लेकिन जब तक आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना आपको नहीं आएगा, तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हम दूसरा एक ऑप्शन देखना है, जो फर्स्ट वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि ये हर एक चीज़ में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो वो वीडियो ये है। और सबसे पहले लैंग्वेज आप देख, मैं सारे ऑप्शन बताता हूँ आपको। सबसे पहले लैंग्वेज है वो इंग्लिश, तो वो तो ऑब्वियसली आपको चेंज करनी, जो आप कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है, फ्रेंच और स्पेनिश है। प्ले मोड है, प्ले मोड में प्ले स्टटर लिखा हुआ है, और दूसरा है प्ले पॉज। तो प्ले स्टटर देखिए ये होता है, जैसे ये डेक दिख रहा है आपको, ये प्ले बटन है और ये पॉज, और एक बार वापस दबाया तो क्यू पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। प्ले स्टटर में क्या होगा कि प्ले, इसमें प्ले दबाते जितनी बार प्ले दबाओगे उतनी बार सॉन्ग क्यू पॉइंट से प्ले होगा, उसमें प्ले और पॉज दोनों इसी बटन में आ जाएगा, और इस बटन पे सिर्फ क्यू पॉइंट के लिए होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन में जाके हम प्ले स्टटर से लेके प्ले पॉज पे कर देते हैं, तो आप देख सकते हो, और इसको दबाते ही वो अपना सॉन्ग क्यू पॉइंट पे आ जाएगा। अरे सॉरी, ओके, ठीक है, लेकिन हम जो डिफॉल्ट आता है उसी पे रखेंगे, प्ले स्टटर पे। दूसरा है क्यू मोड, क्यू मोड होता है क्यू क्यू होल्ड और कप, ठीक है। तो क्यू मतलब तो ये आप दबाया और चालू होगा, जैसे ही आपने छोड़ा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो है क्यू होल्ड। अब क्यू होल्ड में आपको दिखाता हूँ, क्यू होल्ड में क्या होता है कि अगर आपने उसको प्रेस करके रखा है, आपको मैक्सिमम वर्ट 1 टू 2 टू 3 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करना होता है, और जब आप छोड़ोगे तो
तो सॉन्ग रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ये देखिए, मतलब अगर आपको सिर्फ एक बार आपने क्लिक किया तो सॉन्ग नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और अगर आपने प्रेस करके रखा थोड़े समय के लिए तो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। ओके, तो ये है, होता है क्यू होल्ड। उसके बाद है कप। कप मतलब जो ये हॉट क्यूज आपने देखे थे यहाँ पे, जैसे हॉट क्यूज को आप दबाते हो तो सॉन्ग चालू हो जाता है, वैसे ही अगर कप दबाओगे तो ये क्यू से भी सॉन्ग चालू हो जाएगा। और इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी। उसके बाद है हॉट क्यू मोड। हॉट क्यू मोड प्ले मतलब जो जैसा अभी जो डिफॉल्ट है, आपने हॉट क्यू का बटन दबा और वो प्ले चालू हो जाएगा। और स्टटर मतलब जो क्यू ऑप्शन में पहले हम होल्ड करते थे, जैसे प्रेस करके रखते थे और जैसे ही आप हाथ हटाते थे और सॉन्ग वापस उसी पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता था, तो वो स्टटर में। उसके बाद ये सब स्मार्ट प्ले, स्मार्ट लूप, ये सारे तो हमने नो पे ही रखे हुए हैं क्योंकि इनका मैं यूज़ आता नहीं है ज़्यादा। तो हम मैन्युअली, मैंने आपको दिखाया था लूप, आपको जो पोजिशन सिलेक्ट करनी है आप उसी में कीजिए। उसके बाद मास्टर टेम्पो, ये सब तो नॉर्मल जो ऑप्शन आपको दिखते हैं आपको चाहिए या नहीं चाहिए उसके लिए। बेसिकली मेन ये तीन थे, बाकी ये सारे ऑप्शंस है कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस पे तो जो डिफॉल्ट है मैंने वही रखा हुआ है। ओके, उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं ब्राउज़र सेक्शन पे। इसमें भी मोस्टली सब येस और नो ही है। ब्राउज़र सेक्शन पे आप देख सकते हो, तो रूट फोल्डर्स, गेट टैग्स, ऑटो। ये टैग जो मैंने आपको शायद बताया था फर्स्ट वीडियो में कि आपको, नहीं सॉरी, सेकंड वीडियो में जो ब्राउज़र सेक्शन की हमने बात की थी कि टैगिंग जो बीपीएम की और सारी लेंथ वेंथ आती है, तो वो आपको अगर ऑटो टैग, दो ऑप्शन आते हैं, सेट टैग्स ऑटो और गेट टैग्स ऑटो। गेट हमने इसमें येस रखा है और इसमें नो रखा हुआ है। ओके, उसके बाद ऑडियो है, इसमें भी सब कुछ येस और नो पे ही है। ऑटो क्यू, ऑटो बीपीएम मैच, ऑटो गेन, ऑटो की, मतलब ये सारी चीज़ें और ये फीचर्स वर्चुअल डीजे 7 में नहीं थे। जैसे ये ऑटो की है और ऑटो गेन है, ये वर्चुअल डीजे 8 में है। ऑटो की तब यूज़ आता है जब आप एक डेक से, एक डेक पे सॉन्ग बज रहा है और दूसरे डेक पे आपने सॉन्ग लोड किया है, और अगर आप दूसरे सॉन्ग का बीपीएम कम या ज़्यादा करते हो तो उसकी की ऑटोमेटिक मैच हो जाती है। वर्चुअल डीजे 7 में ये नहीं था। अगर आप सिंगल डेक पे भी अपनी की जो है, अगर सॉरी पिच कंट्रोल जो है वो आप फास्ट या स्लो करते हो तो आपको उसका की सेट करना पड़ता था, नहीं तो वॉइस एकदम खराब आती थी। तो ये इसमें ऑटोमेटिक के जितने ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छे हैं, तो जितने भी न्यू यूजर्स हैं उनके लिए काफ़ी फायदा करता है। उसके बाद तो वीडियो है, फिर कैरेओके है, ये भी यूज़ होता है, लेकिन कैरक और शो सिंगरली इसमें तो इतना कुछ है ही नहीं। बस आप सॉन्ग का वो प्ले होगा और आपको सिंग करना है, दूसरा कुछ नहीं है। ये स्किन्स है, ये कलर वेव फॉर्म से, इसको नॉर्मली लोग मोनोक्रोम पे रखते हैं। मोनोक्रोम पे राइट साइड में, लेफ्ट में ब्लू और राइट में रेड आता है। न्यूट्रल पे रखने से सारे कलर ग्रीन, ऑरेंज इस टाइप में आएंगे। अल्ट्रा ब्लू में, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अल्ट्रा ब्लू कुछ इस टाइप का दिखता है। वो स्किन्स में इसका कलर चेंज होगा, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म, ऊपर के वेव फॉर्म के तो जो कलर है वही रहेंगे। ओके, तो हम उस पर भी इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मेन बेसिक तो जो आपको सीखना है उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कंट्रोलर्स है, ये भी सब येस नो में है, ऑन ऑफ में, ऑटोमिक्स। तो ये, और अगर आप काफ़ी सारी सेटिंग्स अंदर कर चुके हो और आप सब कुछ भूल गए हो, आप एकदम कंफ्यूज हो चुके हो कि कौन सा कंट्रोल मैंने येस किया था, नो किया, तो बस आपको एक बटन प्रेस करना है, रिसेट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट, और ये सब कुछ वापस कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस ऑन करना है इसे, और वर्चुअली एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सब कुछ पहले से जैसा एकदम नया, मतलब आपने चालू किया है वैसा आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल नया खुल चुका है। ओके, ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब तक हमने वर्चुअल डीजे के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया है और मैंने उसका आपको कंप्लीट ओवरव्यू भी दे दिया है। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसमें अपना सॉन्ग लोड कीजिए, अपने क्यू पॉइंट सेट कीजिए, हॉट क्यू सेट कीजिए, आप कितने तरीके से सॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं, कितने कितने आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हालांकि टेक्निक्स अभी मैंने आपको नहीं सिखाई है, लेकिन वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बीट मैचिंग और लूपिंग और सब कुछ सिखाऊंगा। तो आप अभी सॉन्ग लोड कीजिए, वर्चुअल डीजे से हैबिचुअल हो जाइए, सारे फंक्शंस अपने कीबोर्ड में यूज़ कीजिए। अब इस सीरीज़ में सिर्फ एक वीडियो बाकी है और वो इतना कुछ खास नहीं है, उसमें सिर्फ हम अपने वर्चुअल डीजे रिमोट की बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, जो आप देख रहे हो मोबाइल फ़ोन से, आप अपना वर्चुअल डीजे कंट्रोल कैसे कर सकते हो।
तो आने वाले वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, और उसके बाद हमारा वर्चुअल लीजिए का फ्री ट्रेनिंग सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम प्रोफेशनल बीट मैचिंग और मिक्सर के बारे में नॉलेज देना स्टार्ट करूँगा मैं। तो होप फॉर द बेस्ट, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, और आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना। बाय।